धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। तो पहला सवाल विधायक जी आपसे ये है कि आज आप काफी खुश होंगे कि पूरा मेनस्ट्रीम मीडिया, तमाम बड़े बड़े न्यूज चैनल आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, आपका इंटरव्यू दिखा रहे हैं, बड़ा खुश होंगे आज आप? नहीं, हम खुश कभी नहीं होते ना कभी दुखी होते, हम सामान रहते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि आप ऐसे बयान देकर चर्चाओं में रहना चाहते हैं, इससे पहले भी आपने खूब सारे बयान दिए, आपको लगता है ऐसा करके आप मंत्री बन जाएंगे योगी सरकार में? नहीं, हमारा मंत्री बनना सपना नहीं है, हमारा अपनी विधानसभा का विकास कैसे हो, हमारे लोग कैसे खुश रहे और ये यहाँ का शिक्षा चिकित्सा बिजली सड़क पानी की व्यवस्था हम कैसे सुधार पाए, ये हमारा सपना है। मंत्री विधायक आते जाते रहते हैं, लोगों के लिए काम करें, लोग याद करें, इतना ही हमारा सपना है, फालतू हम नहीं सोचते। ये कौन सा विकास कर रहे हैं कि आपने कह दिया कि अपने बच्चों की बलि दे दीजिए? ये जिसने सुना है उसके भी कान खराब है, जो कह रहा है उसका भी जबान खराब है। आप समझदार पत्रकार है, हमने ये कहा है कि अपने बच्चे की कोई बलि नहीं देता है क्योंकि उसको प्यार करता है और ऊपर वाले को हम वो चीज भेंट करते हैं। जब हजरत इब्राहिम ने अपने बच्चे की जिस बलि देनी चाहिए तो एकदम, क्योंकि उनकी ऊपर वाले में अगाड़ आस्था थी तो उनको आकाशवाणी हुई और वो उसको बच्चे की बलि देने से रोक लिया और दुम्बा को प्रकट कर दिया। तो जब बच्चे की बलि वो भी दे रहे थे उस टाइम उसको रोका गया, तो हम किसी भी प्रकार की बलि के खिलाफ है और बलि केवल मुस्लिम धर्म में नहीं होता है, कुर्बानी आपके यहाँ बोल देते, हमारे यहाँ बलि बोलते हैं, हिंदू धर्म में भी बलि दी जाती है। तो उसको अब क्या है, जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम है उसने उसको चेंज कर लिया है, जो गरीब मुसलमान है उसके लिए उस बकरे की कीमत का वो पैसा रखता है, जकात के निकाल करके और वो बांटता है, उससे ऊपर वाले का ये साथ। हर धर्म की बात कर रहा हूँ मैं, केवल हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मुस्लिम की ना सिख की, कि अगर पड़ोसी भूखा सोता है तो लानत है, उससे बड़ा पाप नहीं है। तो ये हम लोगों को सोचना चाहिए क्योंकि कोरोना का काल है, उससे पहले हमने कभी इस तरह का बयान नहीं दिया है ना हमने आप, और मैंने ये कहा भी है कि मुस्लिम भाइयों से मेरी अपील है कि वो इसको सांकेतिक रूप में और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गंदगी ना फैले, हड्डी और मांस ना हो जिससे कि कोरोना संक्रमण फैल जाए, क्योंकि लॉनी में कोरोना नहीं है और ये हम सब लोगों ने मिलकर किया है, ये अकेले हिंदुओं से नहीं हुआ है ना मुसलमानों से हुआ है। उसके बावजूद अगर इस बात को कोई कह रहा बढ़ा के कि हम बच्चे की बलि की बात कर रहे हैं तो गलत कह रहा है एकदम। चलिए एक चीज पहले मैं आपको बता दूं, आपने कहा ज़कात के पैसे से कुर्बानी की जाता है, तो इससे संशोधित कर लीजिए, ज़कात के पैसे की कुर्बानी नहीं की जाती। दूसरी चीज पहले सुन लीजिए फिर उसके बाद आप खूब बोलिएगा, आपको मौका दूंगा। लेकिन आपने कहा कि मैंने नहीं कहा कि बच्चे की बलि दी, आपने अपना वो वीडियो दोबारा सुनना चाहे तो मैं सुना सकता हूँ? नहीं, मैंने सुना हुआ है, मैंने कहा है कि कोई अपने बच्चे की कुर्बानी नहीं देता, वो जो जिद कर रहा है कि हम भीड़ इकट्ठा करेंगे, हम कुर्बानी करेंगे, तो उसको ऊपर वाले, अब सबसे प्यारा तो बच्चा होता है तो उसकी दे दे। वो ऐसा एक आदमी कोई है जो नहीं मानता कानून कायदे, सरकार की बात नहीं मानता, जो हमारे लिए जिंदगी पहले है, अगर हम जिंदे ही ना रहेंगे तो किस धर्म की मान्यताओं के अनुसार काम कैसे करेंगे? एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है लॉनी में, अब उसके बाद हड्डियां इकट्ठी होंगी, दो बार जहाज गिर चुका है तो देश को हम नहीं समझेंगे? तो अगर कोई देश को भी नहीं मानता है, कोई लोगों की जिंदगी, अपनी जिंदगी, उसकी खुद की जिंदगी भी जा सकती है, लेकिन हजारों लाखों लोगों को वो कोरोना फैला करके मरकज लॉनी को नहीं बनने दिया जाएगा। लॉनी को जो मरकज बनाने का एक दो लोग सोच रहे हैं उनकी मंशा कामयाब नहीं होगी, ये सरकार कानून के हिसाब से चलती है और कानून की बात मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा कि बच्चे की कोई बलि नहीं देता है क्योंकि उसको प्रिय मानता है। एक बकरा खरीद के ले आए तुम पैसे में, अब वो बकरा ला करके तुम कहो कि वो मुझे प्रिय है, ये काफी बात है भाई। ठीक है, अच्छा आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप कानून को मानते हैं, कानून का सम्मान करते हैं, तो क्या जो DGP SC अवस्थी ने गाइडलाइन जारी की है उसमें कहीं लिखा है कि कुर्बानी नहीं होगी? नहीं, लॉनी की बात अलग है, उनकी बात यह है कि भाई लोग जो है भीड़ इकट्ठा ना करें, सामूहिक इकट्ठे ना हों, कहीं सामूहिक कुर्बानी ना दें, नमाज ना पढ़ें, तो उनकी कुर्बानी जो उनकी गाइडलाइन है वो स्टेट के लिए, लॉनी के लिए गाइडलाइंस में परिवर्तन होता है। लॉनी क्योंकि एयरक्राफ्ट लॉनी में आप अलग से हुकूमत चला रहे हैं, लॉनी पे आपकी अलग सल्तनत चल रही है, आपका अलग राज चल रहा है लॉनी में? नहीं, जहां पे एयरफोर्स स्टेशन है कहीं भी, वहां के लिए जो हेलो, एक मिनट दोबारा बोलिएगा सर, दोबारा वो चला गया था नेट, दोबारा बोलिएगा जी। मेरा कहना ये है लॉनी के लिए एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है और जहां भी कहीं भी एयरफोर्स स्टेशन है उसके पास में पड़ने वाले गांव शहर में ऑर्डिनेंस सब जगह लगता है, तो लॉनी में वो प्लस हो जाता है, जो गाइडलाइन स्टेट गवर्नमेंट की है उसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन जुड़ जाती है ऑर्डिनेंस की, तो उसको हमें ध्यान रखना है। दो बार जहाज गिर चुका है तो राष्ट्र से बड़ा कोर्ट नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, तो यहाँ पे कोई हमारे पास डिस्पोजल की व्यवस्था नहीं है। ऑर्डिनेंस में भी ये साफ है और एयरफोर्स का जो
अभी मार्शल थे उनका, यहाँ हमें एक लेटर जो पिछले दिनों चला था झंझट, उसमें आया था कि यहाँ डिस्पोजल की व्यवस्था करें, तो आप बताओ हमें डिस्पोजल की व्यवस्था कहाँ है हमारे पास। क्या ये हिंडन एयरफोर्स की जानकारी और उसको होने वाले नुकसान की आप ही को चिंता है? गाजियाबाद में जिला प्रशासन बैठा है, पुलिस बैठी है, पूरी सरकार बैठी है, वो सब पंगू है आपकी नजर में? नहीं, हम सरकार नहीं है तो हम क्या है? लोनी के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि हैं, तो जो यहाँ शासन काम कर रहा है वही मैंने कहा कि एसडीएम साहब इसका पालन कराएं। मैंने थोड़ी कहा मैं पालन कर रहा हूँ, तो सरकार के रूल के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो सरकार का रूल तो सर सरकार का रूल कह रहा है, डीजीपी ने कह दिया कुर्बानी कर सकते हैं, आप कह रहे कुर्बानी नहीं होने दूंगा लोनी में। अरे भाई लोनी में कैसे कुर्बानी कर सकते हैं आप? अजीब बात कर रहे हैं, या कोरोना फैल हुआ होगा क्या? इसको मरकज बनाना लोनी को, आप बताइए खुद। जब लोनी के सामने कहा है कि एक भी कोरोना नहीं है, तो लोगों को खुशी मनानी चाहिए, लोगों को खुश होना चाहिए। अगर भाई हमारे हमने उस पालन किया है, मैं तो ये भी कहा है उसमें कि शराब का सेवन ना करें लोग, उसको तो नहीं हाईलाइट किया आपने। आपके यहाँ कच्ची शराब बिक्री बंद हुई नहीं? एक मिनट सुन लीजिए, आपके यहाँ आज तक कच्ची शराब तो बिक्री बंद नहीं हुई है जो ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई जाती है, जिसे पी के लोग मर भी जाते हैं, आप उसे तो रोक नहीं पाए? आप हमें ला के दिखाओ ना कहाँ है, बिल्कुल बंद है अब, वो कभी जमाना गया, वो समाजवादी की सरकार में चलती होगी। और कोरोना से लोनी में कई सारी मौतें हुई हैं, गिरी मार्केट को पूरा सील किया गया है, आपको नहीं पता? आप कह रहे कोरोना नहीं है लोनी के अंदर? बिल्कुल नहीं है, दिल्ली से आया है। जो दिल्ली के केस है सारे आप स्टडी कर ले, टोटल दिल्ली के केस है, आरएमएल के केस है, जीटीवी के केस है, या जो पुलिस वाले आए थे उनमें ज्यादातर ठीक हो गए, एक हार्ट अटैक से मौत हुई थी बाजार में, वो हमारे सब नॉलेज में है, लेकिन लोनी का एक भी केस नहीं है। और अभी भी आप डाल सकते हैं आरोग्य ऐप पे, एक भी केस नहीं है कोरोना का लोनी के अंदर। और हमें ये लोनी के लोगों को बधाई, हिंदू मुस्लिम बहुत कायदे से सौहार्द से प्यार से ईद मनाए, सबको बहुत शुभकामनाएं आपकी तरफ से और बधाई। और आप भी इसमें कॉपरेट करें कि ये हड्डी और गंदगी ना फैले, सब लोगों को अवेयर करें। इसके बाद इससे पहले बयान हमने नहीं दिया, हम टॉलरेट करते हैं। ठीक है, लोनी में कैसे पता चलेगा आपको कोरोना है कि आपके यहाँ हॉस्पिटल है, आपके यहाँ जांच की लैब है? सब कुछ दिल्ली से ही तो चलता है लोनी का, यहाँ के लोग वहीं तो जाते हैं। तो शायद मालूम नहीं है लोनी में कोरोना के जांच का, हमारे यहाँ हॉस्पिटल भी है और उसकी लैब भी है। आप ऐसे बयान क्यों? अच्छा आप सुनिए, इससे पहले आपने अभी बहुत सारे बयान दिए, बहुत सारी चीजों को लेके बयान दिए, कुछ वेब सीरीज आई उसको लेके आपने विवादित बयान दिए, दिल्ली दंगे में आपकी एक भूमिका आई थी कि गोली मार दीजिए पैर में, ये कर दीजिए वो कर दीजिए, सब सारे चीजें बयान क्यों देते हैं आप? नहीं, आप खुद कब हमारा बयान आया दिल्ली दंगे में, जरा बताइए, एक शब्द भी नहीं बोला हमने। हमने तो लॉकडाउन के लिए बोला था, जो लोगों ने पुलिस को गिरा दिया था लोनी में, तो दिल्ली दंगे से कैसे जोड़ रहे हैं आप उस बात? इसके अलावा हमारा कौन सा बयान आया? वेब सीरीज में हमारा फोटो लगा दिया एक चोर के साथ, तो हम विरोध ना करें उसका? मतलब कुल मिलाके आपको विवाद में रहना है, ये आप जानते हैं, इसका बेनिफिट आपको होता है, हाइप क्रिएट होती है। ऐसा है ना अकरम जी, विवाद में नहीं रहते हम बात को सही कहते हैं। और इसलिए लोनी के अंदर रामराज है, आज एकदम चारों तरफ शांति है, सब लोग प्यार से रह रहे हैं, डेवलप हो रहा है लोनी। स्कूल नहीं था, बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, आज आईटीआई है, दो दो डिग्री कॉलेज है, आज हॉस्पिटल बन रहा है, जबरदस्त काम चल रहा है, आज लोनी के अंदर सड़कें बन रही है शानदार, लाइट का उद्घाटन पड़ा है सर, अभी हम शाम को उद्घाटन करने जा रहे हैं। पढ़ा है सर? नहीं, संविधान पढ़ा है, वाटर एटीएम लग रहे हैं, संविधान भी पढ़ा है मैंने, और उसके अलावा जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, जिन जिन मान्यताओं से रीतियों से देश चलता है, चलता रहा है, सारा पढ़ा है। मैं संविधान की बात करूंगा सर, मैं सिर्फ संविधान की बात करना चाहता हूँ, वो सुन लीजिए। आर्टिकल 25 संविधान का कहता है कि हर किसी को भारत में अपनी धार्मिक परंपराएं मनाने की पूरी आजादी है। 2015 में एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, कहा कि कुर्बानी पे रोक लगा दी जाए। 2016 में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब संविधान इसकी इजाजत नहीं देता तो हम रोक नहीं लगा सकते हैं। तो आप संविधान से बड़े हो गए? ये संविधान में स्पष्ट लिखा है कि एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस संविधान में ही है, ये लोगों को पढ़ना चाहिए। एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस संविधान में है और वो केवल लोनी के लिए, साहिबाद के लिए लगता है, इसलिए उसको ध्यान रखना चाहिए। फिर भी हम लोग आंख बंद कर लेते हैं, टॉलरेट करते हैं, नहीं तो कायदे में लोनी में एक भी मास्क की दुकान नहीं चल सकती, ना एक हड्डी रख सकते आप। लोनी अलग है, इसलिए लोनी के लोग सेफ है, सुरक्षित है, सब लोग पालन कर रहे हैं, और मैं सबको बधाई देता हूं कि लोग पालन करें। और सबसे पहले जिंदगी है हमारी। पिछले 24 साल के दौरान आपकी लोनी की आबादी कितनी बड़ी होगी सर? लोनी के पिछले 24 साल के दौरान, 24 साल के दौरान बड़ी होगी कम से कम 12 लाख। 24 साल पहले छोटे से लोनी में एक हादसा होता है एयरक्राफ्ट वाला, और उसके बाद 24 लाख आबादी बढ़ जाती है और कोई हादसा नहीं होता है, और आपके ही कहना कि 45% मुसलमान है, तो आप क्या दलील दे रहे हैं? आपकी दलील में तो दम ही नहीं है। नहीं, क्यों दम नहीं है? हमने उसको पालन कराया, हम संघर्ष कर रहे हैं 20 साल से उसके लिए। अच्छा, क्या कर रहे हैं? हड्डी मिल हमने बंद करा दी है,
और जो यहाँ सब हड्डी पड्डी चलती थी हमारा दौरा रहता है, जो प्रदूषण चलते थे, भट्टे चलते थे, जो दुनिया के तार जलते थे, तो सबको ठीक किया है। लॉन्जी को एक अच्छा माहौल दे रहे हैं हम, एजुकेशन दे रहे हैं, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, सड़क, पानी और कानून व्यवस्था दी है, उसके लिए लॉन्जी का हिंदू मुसलमान हमको सपोर्ट करता है, जो कोई कहता है कहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। चलिए मान लेते हैं 3.5 साल में आपने सुधार कर दिया होगा, पिछले 20 साल बता दीजिए कोई हादसा हुआ हो तो गो नेक्स्ट डिबेट सर जी। मुझे एक दूसरा